ओम शांति। चारों तरफ से सर्व संकल्पों को समेटकर एकाग्र करेंगे मस्तक के बीच। मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं एक चमकता सितारा, ज्योति स्वरूप। मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, अपने कर्मेंद्रियों की मालिक। अपने शरीर की मालिक। यह देह अलग और मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली एक ज्योति स्वरूप बिंदु हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा का स्वभाव शांत है। फील करेंगे मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल संपूर्ण शरीर में फैल रही है। ऊपर ब्रेन से लेके नीचे पैरों तक यह शांति का प्रकाश फैल चुका है। मानो संपूर्ण देह लोप हो चुका है। बस मैं आत्मा अपने प्रकाश के शरीर में, अपने फरिश्ता स्वरूप में मैं एक शांति का फरिश्ता हूं। इस संसार में परमात्मा का एक फरिश्ता हूं। अभी एक सेकंड में मैं फरिश्ता पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। चारों तरफ सफेद प्रकाश। फरिश्तों की दुनिया है ये। अनुभव करेंगे सामने मेरे परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में। पहला अभ्यास अनुभव करेंगे बाप दादा हमें प्यार भरी मीठी दृष्टि दे रहे हैं। अनंत प्रेम है इस दृष्टि में। अनुभव करेंगे बाबा के दृष्टि से प्यार की किरणें निकल मुझ फरिश्ता के दृष्टि में समा रही है।
और संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में फैल रही है। खो जाएं इस प्यार भरी मीठी दृष्टि में। बाबा प्यार के सागर है, इनके आंखों से अनंत प्यार की किरणें निकल मुझ में समा रही है। मैं संपूर्ण प्यार में मग्न हो चुका हूं। दूसरा अभ्यास, दृष्टि देते देते बाबा ने हमें गले लगा लिया है। समा जाएं बाप दादा की बाहों में। फील करेंगे बाबा ने हमें अपने बाहों में समा लिया है और उन्हें गले लगाकर हम संपूर्ण लाइट हो चुके हैं। संपूर्ण बोझ मुक्त अवस्था है ये। सर्व बोझ दे दे बाबा को, तन मन धन जो भी कार्य संबंध संपर्क सब बोझ बाबा को दे दें और उनके बाहों में संपूर्ण निःसंकल्प स्थिति में स्थित हो जाएं और कोई संकल्प नहीं, बस मैं बाबा का और बाबा मेरा है। बाबा कहते हैं इस संगम युग में यदि तुम परमात्मा प्यार में मगन हो जाओ तो जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलता रहेगा। तीसरा अभ्यास, बैठ जाएं बाप दादा के सामने। अनुभव करेंगे बाबा हमारे मस्तक पे तिलक लगा रहे हैं और हमें वरदान दे रहे हैं। विजयी भव, सफलता मूरत भव, विजयी भव, सफलता मूरत भव। इस वरदान की प्राप्ति से आज से मैं हर कार्य में सफल रहूंगा। स्वयं भगवान का मुझे वरदान है। विजयी भव, सफलता मूरत भव। हर कार्य में परमात्मा सदैव मेरे साथ रहेंगे और मैं सफलता मूरत बनूंगा।
जहाँ परमात्मा साथ हैं, परमात्मा वरदान, परमात्मा शक्तियाँ साथ है, वहाँ विजय हुई पड़ी है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चौथा अभ्यास अनुभव करेंगे बाबा के मस्तक मणि से अनंत दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ फरिश्ता के मस्तक बिंदु में समाती जा रही है। अनंत शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें दिव्य ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा बन चुकी हूं। मानो बाप दादा हमें उनके सर्व शक्तियां गुण ज्ञान हमें वरदान में दे रहे हैं। संपूर्ण खो जाएं, मगन हो जाएं स्थिति में, पांचवा अभ्यास फील करेंगे बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है। इन हाथों से अनंत शक्तियों का लाल प्रकाश निकल मुझ फरिश्ता में समा रहा है। मानो मेरा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर लाल प्रकाश से जगमगा उठा है। निरंतर बाबा के हाथों से दिव्य शक्तियों का प्रकाश निकल मुझ में समाते जा रहा है। और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सदा सुखी भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सदा सुखी भव। इन वरदानों की प्राप्ति से परमात्मा ने मानो सर्व शक्तियां हमें वरदान में दी हो। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा उनकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। सदा सुखी हूं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से भरपूर हूं।
मेरे सर्व रिलेशनशिप्स सुखमय हैं, अच्छे हैं। सिक्स्थ अभ्यास, सूक्ष्म वतन में बाप दादा से सर्व संबंधों का अनुभव करें। बाप, माँ, टीचर, सद्गुरु, साजन, सखा, भाई और बच्चे के रूप में हम इन सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे। बाप बनकर बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, माँ बन हमें अनंत प्यार देते हैं, अनकंडीशनल लव। टीचर बन हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, सद्गुरु बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं, साजन बन सदैव मेरे साथ रहते हैं, हर कार्य में मुझे हेल्प करते हैं, फ्रेंड बन मुझसे खेलते हैं, मुझे साथ देते हैं, मुझे हंसाते हैं, मेरा सर्व कार्य सहज कराते हैं। भाई बन मेरी रक्षा करते हैं, मैं सदैव सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ और कभी कभी हमारा बच्चा बन हमसे खेलते हैं, हमें प्यार करते हैं, हम उन्हें बच्चे रूप में खिलाते हैं। सातवां अभ्यास, बाप दादा से रूह रिहान करें। परमात्मा कहते हैं, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं, मैं उन्हें वतन में इमर्ज कर उनसे रूह रिहान करता हूँ। अनुभव करेंगे हम बाबा से बातें कर रहे हैं, उन्हें अपने दिल की हर बात शेयर कर रहे हैं। सर्व संकल्प जो भी हमारे मन में है हम उन्हें सब बता रहे हैं। संपूर्ण समर्पण की फीलिंग करेंगे और बाबा से बातें करेंगे। बाबा, मेरा समय, संकल्प, संपत्ति, सर्व संबंध, मेरा कर्म और यह शरीर, मैं आपको समर्पण करता हूं। मेरा कुछ नहीं, मेरे गुण, मेरी विशेषताएं भी आपकी देन है। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ
आपका है, संपूर्ण निसंकल्प हो जाएंगे। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। आठवां अभ्यास करेंगे, बाप दादा के साथ बैठ जाएं और सूक्ष्म वतन में इमर्ज करेंगे हम संसार की सर्व दुखी, अशांत, रोगी, तड़पती आत्माओं को। फील करेंगे सूक्ष्म वतन में बाबा से अनंत शांति की किरणें निकल मुझ आत्मा में समाकर इन सर्व आत्माओं को मिल रही है। इन किरणों से यह संपूर्ण शांत हो रही है। इनके सर्व दुख, अशांति, बीमारियां समाप्त हो रही है। यह आत्माएं संपूर्ण तृप्त महसूस कर रही है। इनके साथ हम इमर्ज करेंगे पृथ्वी के संपूर्ण ग्लोब को। और बाबा से अनंत पवित्रता की किरणें निकल मुझ फरिश्ता में समाकर इस सारे ग्लोब को यह किरणें मिल रही है। संसार की सर्व आत्माओं को पवित्रता का दान मिल रहा है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। इन पवित्रता की किरणों से संसार की सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। प्रकृति के पांचों ही तत्वों को यह पवित्रता का दान मिल रहा है। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पांचों ही तत्व संपूर्ण पवित्र बन चुके हैं, शांत, स्थिर, कोई हलचल नहीं है। प्रकृति हमें दिल से दुआएं दे रही है, वरदान दे रही है, सदा निरोगी भव। प्रकृति जीत भव। संसार की सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव कर रही है।
संसार की सर्व आत्माएं हमें दिल से दुआएं दे रही है। दो मिनट हम इसी स्थिति में एकाग्र रहेंगे, जैसे मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं, परमात्मा मुझ द्वारा इस संसार को, प्रकृति को सुख शांति का दान दे रहे हैं। ओम शांति।